नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अरुण शर्मा है। ठीक वीडियो के ऊपर आप कैप्शन देख पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बड़े अधिकारियों को, यानी कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे बड़े ऑफिसर्स को चेतावनी दी है। आखिरकार वह चेतावनी उन्होंने क्यों दी और किन बातों को लेकर उन्होंने ये चेतावनी दी है, कोशिश करेंगे कि वीडियो थोड़ा टाइम अनुसार बनाए ताकि आप लोग इस वीडियो को आराम से देख सकें और हमारी इस छोटी सी कैप्शन को समझ सकें। आप सभी जानते हैं कि इस समय जब से सरकार बनी है तो आपने देखा होगा कि द पब्लिश पर ही कितने सारे हमने ऑर्डर्स जो है वो जारी किए हैं। हालांकि वो सारे ऑर्डर हमने जीएडी की वेबसाइट से उठाए, क्योंकि तमाम ऑर्डर जो भी ट्रांसफर्स होती हैं तो वो ऑर्डर जीएडी की वेबसाइट पर ही उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो तमाम ऑर्डर्स जो हमने शेयर किया, आपने देखा होगा कि हर ऑर्डर के नीचे लिखा हुआ है बाय ऑर्डर गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर। तो बात आज हम करेंगे, ठीक, आप मेरे पीछे स्क्रीन पर ये जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है और उनके तमाम कैबिनेट मंत्री उनके साथ है, लेकिन कुछ बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं। हालांकि इस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू जी मौजूद नहीं है। उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि जब वो कहते हैं कि गवर्नर साहब जब मीटिंग लेते हैं तो आप सब अधिकारी वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब मैं कोई मीटिंग कॉल करता हूं तो आप सब बड़े अधिकारी वहां पर नहीं आते। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये तबादले किए जा रहे हैं, आप ये मत समझिए कि जो सारी पावरें हैं वो जनाब एलजी के पास है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के वर्ड्स हैं। और साथ ही साथ उन्होंने तमाम अधिकारियों को यह भी कह दिया कि आप इसको हल्के में मत लें, मैं तमाम जो बड़े लीडर हैं, बड़े लीडर क्या, हम सीधे तौर पे आपसे कह दें कि वो गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलकर आए हैं, बार बार वो यही चीज तमाम ऑफिसर से कह रहे हैं कि कभी भी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल सकता है, यानी स्टेटहुड मिल सकता है। तो आप सभी जानते हैं कि जैसे ही स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा, राज्य का दर्जा मिलेगा, तो तमाम पावरें जो है वो मुख्यमंत्री के पास चली जाएंगी, यानी कि उमर अब्दुल्ला के पास जो है तमाम ताकतें जो है, तमाम पावर्स जो है वो उनके पास चली जाएंगी। इसलिए वो ऑफिसर से कह रहे हैं कि आप थोड़ा देखकर चलिए, थोड़ा आप देखिए कि किस तरह से हमने लोगों के जो मसले हैं वो हल करने हैं, क्योंकि इस समय लोगों के मसले तो हल नहीं हो रहे, कुछ काम जो है वो नहीं चले, लेकिन जिस तरह से तबादले हो रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी का, आप कोई भी ऑर्डर देखेंगे तो नीचे लिखा लास्ट लाइन जो होती है वो साइन तो चलो किसी बड़े अधिकारी की होती है, लेकिन ऊपर एक छोटी सी लाइन लिखी रहती है कि ऑर्डर बाय गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर। तो उन्होंने कहा कि अब हम मुद्दे पे आते हैं, ये जो आप पीछे स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, इस मीटिंग में उन्होंने कहा कि मैं स्टेट खुद के लिए बात करके आया हूं। दिल्ली में वो आपने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कम से कम 3 से 4 दिन वो वहां पर रहे, जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर पहुंची हुई है, 3 से 4 दिन जनाब उमर अब्दुल्ला जो है वो कश्मीर से दिल्ली गए हुए थे। वहां पर उन्होंने बैठकें की, सबसे पहले जो उनकी बैठक रही वो नितिन गडकरी जी के साथ रही, जो कि सड़क परिवहन के मंत्री हैं, उनके साथ भी उन्होंने चर्चा की, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने की बात कही, और फिर उसके बाद जो उनकी मुलाकात रही वो गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ रही, क्योंकि आर्टिकल धारा 370 हटाने पर जितना योगदान गृह मंत्री अमित शाह जी का रहा है, आप सभी जानते हैं कि उन्होंने ही पार्लियामेंट में कहा था कि जम्मू कश्मीर से हम धारा 370 हटाएंगे। तो गृह मंत्री जी के साथ बैठक करना बहुत बड़ी बैठक ये मानी जा रही है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ बैठक की है तो राज्य का दर्जा जो है वो वापस मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने ये इशारा किया है अधिकारियों की तरफ कि मैं देख रहा हूं कि जो मीटिंग्स कॉल की जाती हैं उसमें, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक एमएलए भी हैं जो जीते हुए हैं, उन्होंने भी जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए उनका ये भी कहना है कि मैं देख रहा हूं कि कोई भी काम शाम जो चल रहे हैं, चाहे वो गली है, मोहल्ले में कुछ काम चल रहे हैं, तो वहां पर तहसीलदार या डीसी ऑफिस पहुंचकर या डीसी ऑफिस से कोई ऑफिसर वहां पर आते हैं या पीडब्ल्यूडी के कोई ऑफिसर वहां पर आते हैं तो वो रिबन शिपमेंट काट के अपने बोर्ड लगा के तो वो काम काज जो है वो शुरू किया जा रहा है। उन्होंने भी कहा है कि ये सारे जो काम काज है ये हमारे मुख्यमंत्री साहब भी देखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो राज्य के दर्जे को लेकर उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर से इस मीटिंग में कहा है, ऑफिसर से कहा है कि आप थोड़ा
स्टेबल रखिए। जिस तरह से उन्होंने कहा कि मेरी मीटिंग में कभी कोई ऑफिसर नहीं आता, कभी कोई आ जाते हैं, बड़े ऑफिसर्स नहीं आते, तो इस तरह से नहीं चलेगा। और आप सभी ने देखा कि जो जो बड़े लेवल के प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं उसमें उमर अब्दुल्ला साहब नहीं दिख रहे। हालांकि कश्मीर मैराथन हुआ उसमें उमर अब्दुल्ला साहब मौजूद थे, उसके बाद आज रन फॉर यूनिटी जिस तरह से देखा गया उसमें भी। तो कहीं ना कहीं इशारा जो है वो इस खबर के माध्यम से हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि उमर अब्दुल्ला साहब जिस तरह से उनकी जो मीटिंग्स हैं, आपने देखा कि वो दिल्ली गए हुए थे और हमने पीछे आपसे अभी आपसे चर्चा की वो किन किन बड़े गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ मिले, और उनकी मुलाकात जो है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी उनकी मुलाकात रही। तो कहीं ना कहीं उन्होंने राज्य के दर्जे की बात जो है उमर अब्दुल्ला ने की है, इसलिए वो पूरे आश्वासन से कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे ट्रस्ट है, मुझे पूरा आश्वासन है, मुझे केंद्र सरकार पर पूरा भरोसा है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा। तो आप जितने भी ऑफिसर्स हैं आप थोड़ा मेरे साथ मिलकर चलिए ताकि जम्मू कश्मीर की आवाम की हम सेवा कर सके, क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर की आवाम से वायदे किए हुए हैं। हमने बहुत बड़े बड़े वायदे उनसे किए हुए हैं, जिस तरह से बिजली फ्री देना, सिलेंडर मुहैया करवाना और भी तमाम बातें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखी हुई हैं। इसलिए उमर अब्दुल्ला जो है मीटिंग में आपने देखा, लेकिन हालांकि हम आपको बता दें कि पूरी डिटेल में जो खबर है आप ये जो हम कर रहे हैं इसका आपको संक्षेप में जो है वो मिल जाएगा, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आपको इस लाइव के माध्यम से बता दूं www.thepublish.in, वहां पर आप जब खबर देखेंगे, आप उमर अब्दुल्ला के बयान को जब ओपन करेंगे कि उन्होंने जिस तरह से उसमें कहा है कि राज्य का दर्जा जो है वो जल्द मिलेगा, वो कब मिलेगा वो तो वक्त ही बताएगा। हालांकि वो बार बार यही कह रहे हैं कि मुझे पूरा आश्वासन है, क्योंकि जिस तरह से वो बैठक करके आए हुए हैं, वो जिस तरह से बड़े बड़े मंत्रियों से मिले हुए हैं, उनका यही कहना है कि राज्य का दर्जा मिलेगा। लेकिन इस वीडियो को हमने इसलिए आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह से कहा है, हालांकि इस वीडियो के ठीक ऊपर आप कैप्शन देख पा रहे हैं कि उन्होंने बड़े अधिकारियों को चेतावनी दी है। वो चेतावनी कोई बड़ी चेतावनी आप मत समझिएगा, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जिस तरह से आप चल रहे हैं मेरे साथ, ऐसा ना हो कि आप पर, जिस तरह से उन्होंने कहा कि कुछ भी हो सकता है, तो सीधे तौर पर इशारा किया है कि जब राज्य का दर्जा वापिस आएगा तो तमाम ऑफिसर जो है वो मुख्यमंत्री के अंडर ही रहकर काम करेंगे। हालांकि इस समय जो पावरें देखी जा रही है वो उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी के हाथों में जो पावर है वो ज्यादा देखी जा रही है, क्योंकि जो भी तबादले इस समय हो रहे हैं उसमें उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी का पूरा पूरा जो फाइल्स आना जाना सारा उन्हीं के हाथों में है। लेकिन इससे उमर अब्दुल्ला को कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी पावरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जो बड़े ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो मेरी मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, जिस तरह से काफी मीटिंग्स वो उमर अब्दुल्ला साहब ले रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने हैं। तो इस तरह का जो सारा ये जो हमें पता लगा है इस वीडियो के माध्यम से जो आपने देखा, ठीक हमें स्क्रीन के ऊपर वीडियो चलाया, हम एक बार फिर से उस वीडियो को चलाने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं वो तमाम जो मीटिंग उन्होंने ली हुई है। तो इस ठीक हम ये वीडियो इसलिए साथ साथ चला रहे हैं ताकि आप जो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं आप उनको समझ सकें, क्योंकि वीडियो के माध्यम से ही आप समझ पाएंगे, नहीं तो आप सोचेंगे कि हम आपसे यूं ही फिजूल में बातें कर रहे हैं। लेकिन आप इस वीडियो में आपने देखा कि तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, आईएएस ऑफिसर्स उनके साथ बैठे हुए हैं, तमाम सेक्रेटरी उनके साथ बैठे हुए हैं, लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब उनके साथ मौजूद, हालांकि कुछ कुछ बैठक में वो मौजूद रहते हैं लेकिन जिस बैठक में वो होते हैं तो जो सेक्रेटरी रहते हैं वो नहीं होते, मतलब पूरा तालमेल नहीं बन पा रहा है। तो देखो अब किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों का भला होगा, क्योंकि ये तो आपस में रंजिश इनकी चलती रहेंगी, लेकिन सवाल यही है कि जनता को कौन देखेगा। हालांकि ये तो मुद्दे सुलझते रहेंगे, राज्य का दर्जा जिस तरह से उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं, क्योंकि उनको उनको ही पता है, क्योंकि बैठक तो वही करके आए, हम सिर्फ आप तक खबर ही पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो मिलकर आए हुए हैं, उनकी आपस में बातचीत हुई है गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी बैठक हुई है, तो उन्हीं को पता है राज्य का दर्जा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए वो शायद इस तरह से बातें कर रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो आप प्लीज दायरे में रह के काम काम कीजिए, मेरे साथ चलकर काम कीजिए ताकि जम्मू कश्मीर के आवाम का भला हो सके और राज्य का भी भला हो सके, क्योंकि सरकार बने हुए आप सभी जानते हैं तकरीबन 15 दिन होने वाले हैं, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसा बड़ा फैसला नहीं हुआ जिसे जनता को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। हालांकि दीपावली का पर्व जो है वो भी नजदीक आने वाला है, 1 नवंबर को दीपावली का पर्व मनाया जाएगा, और दीपावली के पर्व पर क्या उपहार
जम्मू कश्मीर की जनता को मिलता है, क्या टेलीविजनों का मसला हल होगा, क्या एसपीओ जो हमारे भाई हैं उनका मसला हल होगा, क्या युवाओं को नौकरी मिलेगी, क्या एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा, क्या लोगों के घर सड़कें पहुंचेंगी, क्या हर गली मोहल्ले में पीने का पानी स्वच्छ मिलेगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस समय का जो बड़ा अपडेट हमें लगा आप सभी दर्शकों तक पहुंचाने का, क्योंकि द पब्लिश की यही कोशिश रहती है कि हर एक अपडेट आप तक पहुंचाया जाए, तो इस समय का जो अपडेट हमें लगा वो यही है कि उमर अब्दुल्ला ने तमाम बड़े अधिकारियों को चेतावनी दी है। देसी खबर के साथ इजाजत, आप सभी अपना ध्यान रखिए, नमस्कार, जय हिंद।